और पुण्य तिथि दोनों मनाते हैं। जहाँ तक रहा ज्योतिषी की बात, कुर्सी पर बैठे ही थे एक नारे के साथ इस मुल्क ने उनको कुर्सी दी थी प्रधानमंत्री का, राजा नहीं फकीर है भारत तकदीर। जब ये नारा लगा था तो तकदीर का मतलब उनका ये माना जाता है कि भगवान या विधि द्वारा जिनकी तकदीर लिखी ही नहीं गई, उन्हें शोषित पीड़ित अनाथ बेसहारा रहना ही है, इसलिए कि शायद उनके भाग्य में प्रकृति ने कुछ लिखा ही नहीं। और लोकतंत्र और भारत का संविधान यही आदेश देता है कि सर्वोच्च कुर्सी पर जो देश का बैठे, चुनाव के माध्यम से आम जन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अपनी कुर्सी से अधिक आम लोगों की इच्छाओं का पूरा करने का साहस होना चाहिए। स्वर्गीय बी पी सिंह जी ने इसी साहस को दिखाया है, क्योंकि समाजवादी आंदोलन इस देश में चाहे शुरू हुआ हो सानी गुरु से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश जी से लेते हुए लालू प्रसाद जी तक, पंची जो सबू है इसी के लिए सभी हम लोगों ने मेहनत किया था। बी पी सिंह जी ने जब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने एक ही दिखाया, वो अडानी अंबानी और पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री नहीं है, गरीब अनाथ शोषित वंचित पीड़ित हर तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित सभी लोगों के लिए कैसे न्याय किया जा सकता है, वह सारी रपट जो वर्षों से धूल फांक रही थी, अनुशंसाएं थी, कोई आसमान से नहीं इनके अधिकार निकले थे बल्कि भारत के संविधान से निकला था। आज इसी अवसर पर हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त किए हैं और देखिए जो हमारे सभी साथी इसी आंदोलन के साथी हैं, और यह अलग उन्होंने जो जगाया था, जिस अलग को जगा करके वो दुनिया से विदा हुए, जिसे आज लालू प्रसाद जी प्रताड़ना झेल रहे हैं, हम सब लोग हम वंचितों की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, यही हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं आज के दिन माल्यार्पण करने के वक्त। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।